हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई विश आप बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई रेगुलर कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने वहाँ पर ऐड और सबस्ट्रेट के बारे में पढ़ा था, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लिया था कि मैट्रिक्स कितने टाइप्स की होती है उनके बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। वहाँ पे हमने इक्वल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, मैट्रिक्स का सम किस प्रकार से किया जाता है, उनका सबस्ट्रेट किस प्रकार से किया जाता है। तो आज हम उन पर कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने वाले हैं, अपने जो एनसीईआरटी सिलेबस में एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने वाले हैं कि उस प्रकार से हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको किस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमारे पास अब पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से दिया हुआ है कि मान लीजिए कि ए आपके पास ये है, मैट्रिक्स दी हुई है 2 3 4 2, बी आपके पास दिया 1 -2 3 5, सी आपके पास ये दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ए प्लस बी करना है, ए माइनस बी करना है, 3a - c करना है, ठीक है। और ए बी का मतलब यहाँ पे ए इंटू बी है, ए बी का मतलब यहाँ पर ए इंटू बी से, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। शायद हमने मल्टीप्लीकेशन की बात पिछले वीडियो में नहीं की, तो हम पहले एड की और सबसेट की बात कर लेते हैं। हमने वहाँ पर स्केलर देखो, यहाँ पे 3a - c है, तो 3a - c मतलब वहाँ पे स्केलर के मल्टीप्लीकेशन के बारे में हमने वहाँ पर बात कर ली थी, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे इसके इस मल्टीप्लीकेशन के बारे में भी, जब ये उस क्वेश्चन पर आएंगे तब उसके मल्टीप्लीकेशन किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में भी हम थोड़ा बात कर लेंगे, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपना जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने इस प्रकार से। सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है कि आपको निकालना है ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी के लिए आप क्या करोगे, देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कोई भी दो मैट्रिक्सों को ऐड करना हो तो उनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट, जो परस्पर एलिमेंट होते हैं ये वाला और ये वाला, इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं। यहाँ पे जो 4 आपके पास वो 3 से ऐड हो जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे 3 है वो -2 से ऐड हो जाएगा, 2 है जो 5 से ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, आपके पास मैट्रिक्स ए है 2 3 4 2, थोड़े मोटे लिख के चलते हैं, प्लस बी आपके पास है 1 -2 3 5, ठीक है। अब देखो 2 को 1 से ऐड करता हूँ तो अपने पास क्या आएगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 4 + 3 कितना हो जाएगा अपने पास 7, ठीक है। अब 3 - 2 देखो 3 है, ये -2 यहाँ पे प्लस था लेकिन यहाँ पे माइनस की वजह से वो क्या गया, माइनस हो गया, तो 3 - 2 अपने पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ गया 1 आ गया, 2 + 5 ये आपके पास आ गया 7। तो आपके पास सिंपली बहुत ही इजी है ऐड करना, दो मैट्रिक्स को ऐड करना मतलब उसका पहला अवयव उसके पहले अवयव से ऐड कर दो, जोड़ दो, दूसरे अवयव को दूसरे से जोड़ दो, यहाँ वाले इसको नीचे वाले को नीचे वाले से, लास्ट वाले को लास्ट वाले से ऐड कर दिया, बाकी बस हमारा काम कंप्लीट, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड की, सेकेंड हमारे पास बोल रहा है कि आपको a - b निकालना है, ठीक है। तो a - b निकालने के लिए मैं पहले a ले लेता हूँ, तो जो आपके पास है 2 3, फिर आपके पास है 4 और 2, ठीक है, प्लस आपके पास है 1 - 2 3 5, ये आपके पास दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारे प्लस लिखा है इस प्लस की जगह हमारे पास क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि हमें इसको घटाना है, सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो अब देखो ये किस प्रकार सॉल्व होगा, देखो यहाँ पे 2 है, वही जो ऐड वाली प्रॉपर्टी है वो सेम किसके लिए लगेगी, सब्सट्रैक्ट के लिए लगेगी। तो यहाँ पे 2 और 1 है तो इसमें यहाँ पे क्या बात करेंगे, 2 - 1, ठीक है। यहाँ वाले अगले वाले एलिमेंट की देखें तो 4 - 3, ठीक है, 3 - 2 है तो 3 - -2 + 2, ठीक है। यहाँ पे 2 - 5 है तो 2 - 5 हो गया, तो 2 - 5। अब इनको सोल्व कर लो, देखो 2 - 1 1, 3 + 2 5, 4 - 3 1 और 2 - 5 माइनस का 3। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन नंबर अपना सेकंड था वो भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो भी आपके पास से कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की। हमने यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो और खुद से भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं 3 पर, ठीक है। अपने पास है 3a - c, यहाँ पे आपको निकालना है 3a - c के लिए निकालना है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए है उसका स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, अदिश गुणा है। तो हमने इसके बारे में मैट्रिक्स के टाइप पढ़ा था, वहाँ पे बात की थी कि अदिश गुणा क्या होता है, कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है आप उसके एवरी एलिमेंट को, प्रत्येक एलिमेंट को उस स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे हमारे पास 4 एलिमेंट है, इन 4 एलिमेंटों को जो यहाँ पर स्केलर वैल्यू, जहाँ पर स्केलर वैल्यू कौन सी है 3 है, तो 3 से इन सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास जो बनेगी वो मैट्रिक्स किस प्रकार से बनेगी, सबसे पहले मैं यहाँ पे 3a निकाल रहा हूँ, ठीक है, देखो थोड़ा सा जगह बना के लिख रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ 3a,
तो आपके पास क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो देखो यहाँ पे मैं बाहर 3 × 2 = 4 × 3 = 2 कितना हो जाएगा, देखो 3 × 2 = 6, 4 × 3 = 4 आपके पास आएगा, 4 × 3 = 12 आएगा और 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6 आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, 3a। अब यहाँ पे देखो 3a - c है, ठीक है, 3a - c, तो c वाली वैल्यू को इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो अपने पास कितना आ गया, माइनस का 2, 5, 3 और ये आपके पास आ गया 4, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब देखो सब्सट्रैक्ट के बाद हम क्या करेंगे, इसका जो आंसर है वो निकल जाएगा डायरेक्ट हमारे पास, 6 - -2 तो 6 + 2 हो जाएगा 8, 12 - 5 तो 12 - 5 कितना हो जाएगा आपके पास 7। अब देखो 9 - 3 आपके पास आ गया 6 और 6 - 4 आपके पास कितना आ गया 2 आ गया। तो ये आपके पास हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था फर्स्ट का वो कंप्लीट हो गया कि 3a - c, 3a - मतलब सबसे पहले आपको उसका स्केलर मल्टीप्लीकेशन निकालना है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन निकालने के बाद में, स्केलर मल्टीप्लीकेशन निकालने का मतलब भी यही है कि आप जो भी आपके पास मैट्रिक्स दिया है उसका स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, अदिश गुणा है, उसको आ गया उसके प्रत्येक अवयव को उस अदिश राशि से गुणा कर दो। तो मैंने यहाँ पे इसके प्रत्येक अवयव को अदिश राशि से गुणा किया माइनस ये वाली जो मैट्रिक्स अपने पास सी वाली थी उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, तो आपके पास ये वाली मैट्रिक्स आ गई और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लीकेशन का। हमने लास्ट वीडियो में मल्टीप्लीकेशन के बारे में कोई बात नहीं की थी, अभी हम मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा सीख लेते हैं, उसके बाद में इनकी ऐड और मल्टीप्लीकेशन इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे कि वहाँ पर हम ऐड सब्सट्रैक्ट और मल्टीप्लीकेशन तीनों की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि किस प्रकार से इनकी प्रॉपर्टी यूज़ होती है और कहाँ कहाँ हम इनका यूज़ कर सकते हैं, कहाँ यूज़ नहीं कर सकते, ये किस प्रकार से काम करती है, उन सब के बारे में हम क्वेश्चंस करने के बाद में बात करेंगे, जिससे आप पहले क्वेश्चंस कर लें फिर आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो a × b निकालना, यहाँ पर मैं a × b निकालना, तो इसके लिए मैं लिख दूँ, देखो a को मैं लिख सकता हूँ aij, ठीक है, और m × n, इसका क्रम ऑर्डर लिख दिया मैंने, ए जो मैट्रिक्स है aij, जितनी बड़ी मैट्रिक्स हो सकती है उतनी बड़ी हम इससे बना सकते हैं, यहाँ पे ऑर्डर हमारे पास हो गया m × n, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ bij, ठीक है, और इसका ऑर्डर मैंने लिख दिया p × q। तो अब देखो काम की बात यहाँ पर निकल के आती है, काम की बात क्या है हमारे पास, कि अगर आपको किन्हीं भी दो मैट्रिक्सों का मल्टीप्लीकेशन निकालना है, किन्हीं भी दो मैट्रिक्सों का मल्टीप्लीकेशन निकालना है, तो उसके लिए मेन बात यह है कि उसका जो कॉलम्स की संख्या, पहली जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसके रो की संख्या ऑलवेज इक्वल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ऑलवेज, मतलब कि जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी, जैसे ये मैट्रिक्स है तो इसमें जो इसका ऑर्डर लिख लेता हूँ मैं पहले, यहाँ पे 2 × 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 × 2 है, यहाँ पे तो कोई समस्या आएगी नहीं, 2 × 2 है, मैंने इनका सबका ऑर्डर लिख दिया। अब यहाँ पे जो ऑर्डर के अंदर आपके पास जो पहले वैल्यू आती है ये 2 क्या आती है, रो यानी पंक्तियों की संख्या आती है, जो सेकंड आपके पास है कॉलम की संख्या को दर्शाता है, कितने कॉलम है उस मैट्रिक्स में उनको दर्शाता है। तो यहाँ पे जो इसके पहली मैट्रिक्स मल्टीप्लेक्स में a × b है, तो a के आपको कॉलम चेक करने, a के क्या चेक करने, कॉलम, और जो b मैट्रिक्स है उसकी पंक्तियाँ, तो यहाँ से एक रिजल्ट मेरे पास निकल के आया कि ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन तब ही पॉसिबल है जब n = p हो, एग्जिस्ट वेन n = p, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे a × b तब ही एग्जिस्ट होगा जब आपके पास n = p की n और p का मान सेम होगा, ठीक है। उसके बाद में एक रिजल्ट और आता है कि जो अगर आपने aij × bij निकाल लिया उसका ऑर्डर क्या आएगा, aij × bij अगर आपने निकाल लिया तो उसका ऑर्डर क्या आएगा, जो यहाँ पर हमारे पास ये एक एलिमेंट बच गया, ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो m × q की फॉर्म में आपके पास क्या आ जाएगा, इसका ऑर्डर मिलेगा, कि जो आपके पास a × b मिलेगी मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में, तो वो आपके पास क्या मिलेगा, m × q, क्योंकि n और p तो यहाँ पर आ गए हमारे पास इक्वल होंगे, ये दोनों तो इक्वल होंगे तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अगर देखो यहाँ पर n और p इन दोनों की वैल्यू अगर मैच नहीं हो रही है तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हम नहीं निकाल सकते, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, अगर ये बात हमने सीख ली, अब देखो मल्टीप्लीकेशन निकालते कैसे, जैसे हमारे पास आगे कोई मैट्रिक्स आ गई a11 है, a12 है, a13 है, ठीक है, हम डायरेक्ट 3 × 3 मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, जिससे आपको 2 × 2 भी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी, a21 आएगा, a21, a22, a23, a31, a32,
ये 3-3 क्या के पास है 3x3 की मैट्रिक्स, ठीक है। आपने सिमिलरली सेकंड मैट्रिक्स ले ली मल्टीप्लिकेशन के लिए, B11 B12 B13 ठीक है, B21 B22 B23 B31 B32 B33 ये भी आपके पास क्या है 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, देखो मैंने क्या बताया था कि इसके रो की संख्या, इसमें आपके पास रो की संख्या, इसमें जो आपके पास रो की संख्या तो नहीं देखेंगे, इसकी पहले जो वाला सेट है उसके कॉलम और इसके रो दोनों क्या होने चाहिए, हमेशा इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, हमने बताया था। तो यहाँ पे देखो 3x3 की है। अब जो आपके पास मैट्रिक्स मिलेगी मल्टीप्लिकेशन के बाद में वो किस प्रकार से मिलेगी वो भी बात कर लेते हैं। तो वो हमारे पास 3x3 तो वो मिलेगी, वो किसकी मिलेगी 3x3 की मैट्रिक्स मिलेगी। अब देखो मल्टीप्लिकेशन करने का रूल ये है कि मैं इधर से चलूंगा, ये वाली पहली रो और इसका पहला कॉलम, इसकी फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम आपस में मल्टीप्लाई, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएंगे। तो जैसे देखो मैं इसका मल्टीप्लिकेशन निकाल के यहां पे लिख रहा हूं, तो देखो सबसे पहले मैंने आपको मल्टीप्लाई बताया A11 B11 से मल्टीप्लाई होगा A11, ठीक है, और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं B11 प्लस ये सेकेंड वाले से A12 B21 प्लस A13 B31, ठीक है। सेकंड देखो अब ये हमारे पास फर्स्ट आ गया, ठीक है। अब इसको फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो हमारे पास सेकंड एलिमेंट आ जाएगा। तो यहाँ वाले के लिए A11 B12 ठीक है प्लस A12 B22, हम अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, B22 प्लस A13 B32 हमारे पास इसका सेकेंड एलिमेंट मिल जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन देखो अभी यहीं से कर रहे हैं तो लेंथी लग रहा है, लेकिन जब बाद में हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास इजी हो जाएगा। A11 B13 प्लस A12 B23 प्लस A13 B33 ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसके मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। अब देखो फर्स्ट को हमने कर दिया तो हमारे पास फर्स्ट रो आ गई, फर्स्ट रो से हमने क्या कर ली फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से किया तो हमारे पास पहला एलिमेंट आया पहली रो का। अब फर्स्ट रो को हमने दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो दूसरे कॉलम का पहला एलिमेंट आ गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद मैंने फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से किया तो अपने पास रो का तीसरे कॉलम का पहला एलिमेंट आ गया। अब मैं करूंगा सेकंड रो को मल्टीप्लाई, सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करूंगा वापस से इन्हीं से, पहले फर्स्ट कॉलम से करूंगा। तो देखो आपके पास क्या आएगा A21 B11 प्लस A22 B12 प्लस A23 B31 B21 आएगा यहाँ पे, 12 की जगह B21 हमारे पास बी, वो ही बात वापस से लिख दी B21 प्लस A23, ठीक है। ये आपके पास आ गया सेकंड, अपने को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा A21 B12 प्लस A22 B22 प्लस A23 B32 आ गया आपके पास। फिर नेक्स्ट A11 B31 प्लस A12 B23 प्लस A12 B23 प्लस A13 B33 यहाँ पे 23, ठीक है। मतलब कि इस वाली सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट
सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से। तो फर्स्ट कॉलम से करोगे तो ये एलिमेंट आएगा, सेकंड कॉलम से करोगे तो ये एलिमेंट आएगा, और थर्ड कॉलम से करोगे तो वो एलिमेंट आ जाएगा। अब अपने पास थर्ड रो बच गई, तो थर्ड रो के थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। तो यहाँ से देखो ए 31 बी 11 आ गया, प्लस ए 32 बी 21 आ गया, प्लस ए 33 बी 31 आ गया। फिर यहाँ पे ए 31 बी 12 प्लस यहाँ पे ए 32 बी 22 आ गया, प्लस ए 33 और बी 32 आ गया। फिर यहाँ पर ए 31 बी 13 प्लस ए 32 बी 23 प्लस ए 33 और बी 33, ये आपके पास एलिमेंट आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपके पास 3x3 की, तो ये अब आपके पास जो टोटल वैल्यू है ये आपके पास एक पूरा एक एलिमेंट आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इनको आपस में ऐड कर देंगे, तो आपके पास इससे जो आएगा वो आपके पास क्या आएगा, एक एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमने यहाँ पे बात के लिए एक बार दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब पहला मैट्रिक्स है उसके कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या समान हो, मतलब n इक्वल टू p हो, तो उसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज उसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, और आपके पास जो मैट्रिक्स नई मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे m क्रॉस q की फॉर्म में हो जाएगा, यहाँ पे m आएगा और यहाँ पे q, तो उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन उनके क्रॉस के मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, फिर हमने बात की कि मल्टीप्लिकेशन होता किस प्रकार से है, तो जो पहली रो है पहले कॉलम, पहली रो को अगर पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पहली रो का पहला एलिमेंट आएगा, पहली रो फर्स्ट कॉलम यहाँ का। ठीक है, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दूसरा एलिमेंट आएगा, फिर पहली रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास तीसरा एलिमेंट आएगा, फिर करेंगे सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से तो आपके पास ये सेकेंड रो का पहला एलिमेंट आएगा, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट आएगा, फिर सेकेंड रो को थर्ड से करेंगे, इसी प्रकार थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम से तीनों से आपस में मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर देंगे तो आपके पास नई जो आपके पास एक रोस बी है उसका मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से है, ए इंटू बी निकालना है आपको, आपको निकालना क्या है, ए इंटू बी निकालना है। तो देखो हम ए इंटू बी निकाल रहे हैं, मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ, ए इंटू बी हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है। तो देखो ए इंटू बी के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे ऑर्डर की बात की, तो देखो इसका ऑर्डर भी मैंने यहाँ पे 2x2 हमें ऑर्डर दिया हुआ नहीं है, अभी तो हम पता कर सकते हैं कि उसका ऑर्डर कितना है उसके रो और कॉलम्स की वैल्यूज को ऐड करके। देखो इसमें कितने रो हैं, तो दो हमारे पास रो आ गई, क्रॉस कॉलम एक और दो हमारे पास कॉलम है, तो हम इसके ऑर्डर का पता लगा सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में बेसिक में बात कर ली थी इसके बारे में, तो यहाँ पे 2x2 आ गया। अब देखो इसका मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या देखते हैं कि जो पहली मैट्रिक्स है तो ए है उसका कॉलम की वैल्यू और इसके रो की वैल्यू दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, 2 है इधर भी और वहाँ पर भी 2 है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है, इसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है। तो आप क्या करोगे, इसका मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हो, इसका मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हो। तो देखो किस प्रकार से निकलेगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2, 4, 3, 2। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, -2, 3, 5 आ गया। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लिकेशन किस टाइप से निकालेंगे हम, ये वाली वैल्यू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो देखो 2×1 + 4×-2, तो हमारे पास ये पहला एलिमेंट आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, पहला एलिमेंट आया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड एलिमेंट आएगा, तो हमारे पास 2×3 + 4×5। अब सेकंड रो की बारी, हमारे पास इतने ही रो थे इतने कॉलम थे तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। देखो 3×1, तो यहाँ से आएगा 3×1 + 2×-2। ओके, अब यहाँ से देखो 3×3 + 2×5। ये देखो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया कहीं पे मल्टीप्लाई, तो आप ब्रैकेट लगाओ तो मल्टीप्लाई की जरूरी नहीं है, उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो मैंने यहाँ पे देखो, आप कन्फ्यूज मत होना इस चीज़ के बारे में। तो देखो यहाँ पे अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, ये हो गया 2×1 = 2, 2 और 4 - 8, यहाँ से हमारे पास एलिमेंट कितना आ रहा है, यहाँ से 2 आ गया और यहाँ से 8 आ रहा है। तो मैं अब नई मैट्रिक्स बना रहा हूँ, 2 - 8
टू माइनस एट कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का सिक्स हो जाएगा, ठीक है। टू माइनस एट सिक्स हो जाएगा, टू थ्री या सिक्स, सिक्स प्लस ट्वेंटी कितना हो जाएगा, ट्वेंटी सिक्स, ठीक है। थ्री इंटू वन थ्री और माइनस का फोर, थ्री माइनस का फोर माइनस का एक, तीन में से चार गया तो माइनस का ही बचेगा, तो नौ प्लस दस कितना हो जाएगा, उन्नीस। तो आपके पास जो मैट्रिक्स आई वो टू क्रॉस टू की इस प्रकार से आ गई। अब आप ये चेक करोगे जो मैट्रिक्स मिल रही है वो हमारे उस कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। अभी हमने किसके बारे में बात की है, यहाँ पे देखो हमने इसमें बात की थी कि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर मिलेगा वो इसके पहली पंक्ति और इसके कॉलम के इक्वल मिलेगा। तो देखो यहाँ पे हम अगर बात करें तो दो इंटू दो हमारे पास ये वैल्यू बच रही है और जो मैट्रिक्स आ रही है वो टू क्रॉस टू की आ रही है, ठीक है। इसी प्रकार ये हमारा क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुआ। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद में आसानी से अपने आप से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और जब मैं अगला वाला क्वेश्चन करूँ तो आप पहले उसको ट्राई कीजिए, उसके बाद में अगले वाले क्वेश्चन को आप बोर्ड पर देखने की कोशिश करना। आप वीडियो को पॉज करिए, पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद अगर नहीं समझ आ रहा है, कहीं गलत हो रहा है, तब आप ये वीडियो देखें और उसके बाद में अपने क्वेश्चन को करें, ठीक है। तो अब हम निकाल रहे हैं बी ए, हमने ए बी निकाल लिया और बी ए निकालते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम B के लिए वही कंडीशन में अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपके पास कितना निकालना है, 1 माइनस टू थ्री फाइव, टू थ्री फोर टू, ठीक है। तो देखो सबसे पहले पहली रो पहला कॉलम, तो दो एकम दो, तीन तीन नौ, वन प्लस टू प्लस सॉरी टू प्लस नाइन, टू को वन से किया टू, थ्री को थ्री से किया नाइन। अब देखो वन को फोर से किया फोर, प्लस थ्री को टू से किया सिक्स, हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। आप इलेवंथ क्लास में हो, आप इतनी ट्वेल्थ क्लास में हो, इलेवंथ क्लास पास आउट करके आए हो, तो इतनी कैलकुलेशन तो आपकी होगी ही, ठीक है। अब देखो माइनस टू इंटू टू माइनस का फोर, ठीक है, और माइनस टू इंटू ये फाइव इंटू थ्री, तो अपने पास हो जाएगा फिफ्टीन। मैंने किया माइनस टू को टू से किया और फाइव को थ्री से किया, तो फिफ्टीन आ गया। अब करेंगे माइनस टू इंटू फोर माइनस का एट प्लस टेन, ठीक है, ये आपके पास आ गया 11, ये आपके पास आ गया 10, ये आपके पास आ गया 11, ये आपके पास आ गया 2, तो आपके पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स इस प्रकार से मिल गई, ठीक है। मैंने क्या किया, सबसे पहले पहली रो को पहले कॉलम से, 2 को 1 से किया 2, 3 को 3 से किया 9 आ गया, ठीक है। फिर वापस से किया पहली रो को दूसरे कॉलम से, तो 4 को 1 से किया 4 आ गया, 3 को 2 से किया 6 आ गया, ठीक है। सिमिलरली माइनस दो को दो से किया तो अपने पास कितना आ गया, माइनस का चार आ गया। फिर पाँच को तीन से किया 15 आ गया, माइनस दो को चार से किया माइनस आठ आ गया, और पाँच को दो से किया 10 आ गया, ठीक है। अब मैंने इनको सोल्व कर लिया, 9 प्लस टू 11, 6 प्लस फोर 10, और 14 माइनस का फोर, ये दोनों एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ऐड हो गए, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना। जोड़ने के बजाय इनको क्या करोगे आप, घटाओगे तो 11 आ गया, और 8 और माइनस का, माइनस का 8 है प्लस का 10 है, तो आपके पास 2 आ गया, तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आ गई। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की होगी कि हमने पिछले भी स्लाइड में ए क्रॉस बी निकाला था, उसकी वैल्यू हमारे पास माइनस 6 26 माइनस 1 19 आई है, ठीक है। अब यहाँ पे ए भी निकाला और यहाँ पे बी ए निकाला, तो देखो इसकी वैल्यू अलग आ रही है। तो यहाँ से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि अगर आपके पास कोई दो मैट्रिक्स ए इंटू बी दी हुई है, ठीक है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है ए और बी, तो अगर आप ए बी निकालते हो वो जरूरी नहीं कि बी इंटू ए के इक्वल ही हो। तो यहाँ से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट निकल के आ गया, जिसके बारे में हम जब प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। तो वहाँ पर मेरे को आपको ज़्यादा ना बताना पड़े, इसलिए मैं उसको यहाँ आपके बारे में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि हमने पिछले वीडियो में ए बी निकाला था तो उसकी वैल्यू कुछ अलग आ रही थी, लेकिन जब हमने बी ए निकाला तब उसकी वैल्यू कुछ अलग आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर से मैं कह सकता हूँ कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है, कि अगर आप दो मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन करो तो अगर आप उनका ऑर्डर चेंज कर दो तो उनका मल्टीप्लिकेशन इक्वल नहीं आता, कभी किसी केस में आ जाए लेकिन अधिकतर केसों में वो इक्वल नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक प्रॉपर्टी आएगी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बारे में, जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में हम और अच्छे से बात कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा हिंट, जिससे कि आपको जब मैं नेक्स्ट में ये बात बताऊँ तो आपको समझ में आ जाए। एग्जाम्पल देने के बजाय मैं बता देता हूँ कि मैंने वहाँ को आपको एग्जाम्पल दिया था, वहाँ पर हमने ए बी भी निकाला और बी ए भी निकाला, तो दोनों के लिए हमारे पास क्या, ए बी और बी ए का मान दोनों के लिए क्या आया था, अलग अलग आया था, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो
अपने पास क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, है ना, कि आपको इनको सोल्व करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इनको आपको सोल्व करना है। तो देखो, सबसे पहले ये सिंपली इजी इजी क्वेश्चन से, ठीक है, हम क्या बात करें, यहाँ पे ऐड है, यहाँ पर भी ऐड है और यहाँ पर भी ऐड, तो ये सारे क्वेश्चन किसके हैं, एडिशन के, ठीक है, ऐड करने के, आपको इनको जोड़ना है, सिंपली जोड़ना है। तो देखो, यहाँ पर सिंपली जोड़ना हमने बहुत ही इजी तरीके से, आसानी से हमने वहाँ पे समझ लिया। अब इतना टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट यहाँ पे इनका ऐड करेंगे। तो देखो, मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे निपटा देता हूँ। यहाँ पर है आपके पास ए प्लस ए, देखो मैंने क्या कहा था, अगर आपको ऐड करना हो तो उनके क्रॉसपोंडिंग परस्पर अवयवों को, तो ये एलिमेंट इसमें ऐड हो जाएगा, ये इसके साथ में हो जाएगा, ये वाला ये और ये, इनको आपस में ऐड कर दोगे। तो यहाँ पीछे देखो, ए प्लस ए कितना आ गया, 2a आ गया, b प्लस बी कितना आ गया आपके पास, 2b आ गया। ठीक है, माइनस का b प्लस का b, अब देखो यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पर प्लस का है और बीच में प्लस का साइन, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बहुत ही एक स्टेप में हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इतना इजी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वरना आप स्टेप बाय स्टेप करो। तो पहले यहाँ पे लिखोगे आप, जैसे a प्लस ए लिख दिया, ठीक है, फिर यहाँ पे b प्लस बी लिखोगे, फिर माइनस का b प्लस बी लिखोगे, ठीक है, फिर लिखोगे a प्लस ए, उसके बाद में यहाँ से जाके फिर आप इसी स्टेप पे आओगे, तो वो भी एक तरीका है। तो मैं आपको आपको एक्सप्लेन करूँगी इजी तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो देखो, सेकंड क्वेश्चन भी हमारे पास इसी प्रकार से बन रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें आप क्या करोगे, 2ab ऐड करोगे। तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब मैं देखो उसमें ऐड करने के बजाय अगर मैं यहीं पर ऐड कर देता हूँ उसको, मैं यहाँ पर अगर इसमें लिख दूँ प्लस का 2ab, ठीक है, तो देखो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इतना देखने वाला को याद हो रहा कि आपने नाइन्थ या टेंथ क्लास से, एट्थ या नाइन्थ क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर इसका हल लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप कर लेना, लेकिन वही तरीका जो मैंने अभी बताया, आप पहले इसमें ऐड करोगे फिर आपके बाद फॉर्मूला बनाएगा। ठीक है, अब देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ पे कितना है, प्लस का 2bc, 2bc को मैं डायरेक्ट इसमें ऐड कर रहा हूँ। तो देखो bca, ये वाला वही फॉर्मूला बना है, लेकिन वहाँ पे a प्लस था, यहाँ पे b और c है, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, b प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस का 2ac आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस का 2ac आ रहा है। तो देखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac, तो यहाँ पर जो सूत्र बनेगा, बीच में माइनस आ रहा है, मतलब a माइनस सी का बनेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, a माइनस सी का होल स्क्वायर बन गया आपके पास। ठीक है, a माइनस सी का होल स्क्वायर बन गया। अब वापस से लास्ट वाला देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, मैंने उसको डायरेक्ट इसमें यहीं पर ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, माइनस का 2ab बन गया, माइनस का 2ab मतलब अब ये क्या बन जाएगा आपके पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया, एक स्टेप में हमने इसको कंप्लीट कर लिया। तो आपकी कैलकुलेशन भी इतनी हो जानी चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद में हम, जैसे अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद में जेई लेवल तक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, कि जेई में किस प्रकार से आते हैं, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पर भी आपको अगर इनको इतनी जल्दी सोल्व कर लोगे तो वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। यहाँ पर हम स्टेप बाई स्टेप चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट माइनस फोर, इसका भी मैं देखो यहीं पर सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो माइनस वन ट्वेल्व, तो अपने पास कितना हो जाएगा, माइनस ग्यारह हो जाएगा, माइनस का एक प्लस बारह, बारह में माइनस एक जोड़ेंगे तो कितना आता है आपके पास, देखो बारह में माइनस का एक जोड़ेंगे तो ग्यारह आ जाएगा, चार में सात जोड़ोगे तभी कितना आ जाएगा, ये इलेवन आ जाएगा। अब देखो माइनस का छः और प्लस का छः, ये कितना बन गया आपके पास, जीरो, क्योंकि छः में माइनस का छः ऐड करोगे तो अपने पास कितना बन जाएगा, जीरो बनेगा। अब देखो यहाँ पे एट है, यहाँ पर भी एट है, तो एट और एट सिक्सटीन, क्योंकि हम सभी में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐड कर तो जुड़ेंगे, तो पाँच प्लस जीरो ये कितना हो गया, पाँच हो गया। यहाँ पर अपने पास है 16, 16 प्लस 5 को ऐड करेंगे अपने पास कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, वापस है फर्स्ट एलिमेंट पर, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 2 प्लस 3 अपने पास कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखो 8 प्लस 2 अपने पास कितना हो गया, 10 आ गया। ठीक है, 8 प्लस 2 10 हो गया। अब देखो 5 प्लस 4 कितना होता है, 9 आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, 8 वाला क्वेश्चन हो गया, बहुत ही सिंपल आसानी से हमने इसको सोल्व कर लिया।
ठीक है। तो मतलब एड बहुत ही इजी है। अब वो क्या करना है, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट परस्पर अवयवों को, ये पहले वाले को पहले में जोड़ दो, दूसरे वाले को दूसरे में, तीसरे वाले को तीसरे में, इधर सेकंड रो वाले को पहले एलिमेंट को पहले में, दूसरे को दूसरे में, तीसरे को तीसरे में जोड़ दो, अपने पास बहुत ही इजीली तरीके से मैट्रिक्सों का सम आ जाएगा। अब ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन को जो हम करते हैं, तो थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चंस को अपने उतार सकते हैं। मैंने एक ही स्टेप इनको निपटा दिया क्योंकि बहुत ईजी, इनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम यहाँ पर अपने cos स्क्वायर एक्स या sin स्क्वायर एक्स इस वाले की बात करते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके पास है यहाँ पे cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे अपने पास मैट्रिक्स आएगी, वो क्या हो जाएगी, cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये मैट्रिक्स बनेगी। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स वापस से, यहां पर कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब आपने ये फॉर्मूला 9th या 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, जब 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री आती है तब वहाँ पे पहला फॉर्मूला यही मिलता है आपको, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, आप सबको पता है। और आपने 11th में ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही अच्छे से पढ़ ली है, तो आपको सबको पता है कि इसका मान वैल्यू 1 होती है, कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, किसी भी आगे पीछे कैसे भी कर दे, आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो आपके पास जो ये मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ गई। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया है ना। आप इसको पॉज करके वीडियो को आराम से उतार सकते हो। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर और देखो यहां पर क्वेश्चन को अलग अलग कर रखा है, मैंने वहीं पर आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। आपके पास क्या है, निर्देशित गुणनफलन प्रदर्शित कीजिए, निर्देशित गुणनफलन परिकलित कीजिए, कि मतलब आपको ये वीडियो को, सॉरी इससे जो वीडियो में आपको दिया हुआ है उसको आपको मल्टीप्लीकेशन निकालना है। ठीक है, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, ये मल्टीप्लाई की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको इसका क्रॉस निकालना है, गुणा निकालना है। तो गुणा किस प्रकार से निकालते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो मैंने गुणा के लिए बताया था, सबसे पहले आप इनका ऑर्डर चेक करोगे, ये 2x2 का है और ये भी 2x2 का है, तो इसके सेकंड वाला और इसके फर्स्ट वाला दोनों हमेशा क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसका सेकंड वाला और इसका फर्स्ट वाला हमेशा इक्वल होने चाहिए, दोनों इक्वल है तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं, हम मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए पहली रो पहला कॉलम, तो देखो ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी। ठीक है, अब देखो वापस ये पहली रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ए माइनस बी प्लस बी इंटू ए। अब देखो वापस से माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए कर दो, या ए इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी करो या बी इंटू ए, यहाँ पे हम एलिमेंट को करें, मैट्रिक्सों को मल्टीप्लाई नहीं करते। अभी मैट्रिक्स के बारे में मैंने बताया था कि ए बी और बी ये दोनों इक्वल नहीं होती हैं, दोनों का मान अलग अलग आता है, हमेशा नहीं कभी कभार हमारे पास इक्वल भी आ सकता है, लेकिन लगभग टाइम्स हमारे पास क्या आएगा, उनका मान अलग ही आएगा। नेक्स्ट ये और सेकंड, तो देखो माइनस बी और माइनस बी, आपके पास क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए इंटू ए, ए इंटू ए। तो अब देखो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का ए बी प्लस का ए बी, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 0। अब यहाँ पे आपके पास माइनस का बी ए प्लस है, ये आपके पास 0 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, तो इसको मैं लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से मैंने आपको कॉमन निकालना और मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया था कि किसी स्केलर वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो कंप्लीट है, तो यहाँ से मैं अगर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ तो कॉमन भी निकाल सकता हूँ, कि जैसे हमने वहाँ पे के के बारे में बात की थी, कि अगर आपके पास मैट्रिक्स ऐसे है के ए के बी के सी और के डी, तो यहाँ से हम के को कॉमन लेंगे, तो के को अगर नेक्स्ट टाइम कॉमन, तो सारे एलिमेंट्स से के कॉमन आता है, ए बी सी और डी बचता है। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसकी मल्टीप्लाई वाली स्टेप है, ये से यहाँ से पर एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो कॉमन लेना और मल्टीप्लिकेशन दोनों की तरह से काम करते हैं। स्केलर वैल्यू की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी स्केलर है, इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ, कॉमन लूंगा मतलब यहाँ से कॉमन आएगा, मतलब कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, इसको मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करूँगा, आपके पास क्या आ जाएगी, मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बाहर कॉमन ले रहा हूँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, डिवाइड करोगे इसको डिवाइड करोगे, यहाँ पर 0 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 आ गया,
ठीक है। तो देखो ये आपके पास हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आपने जब मैंने मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में बताया था आपको, मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में बताया, तो इस मैट्रिक्स को हमने क्या नाम दिया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आई। तो ये आपके पास इस मैट्रिक्स का सॉल्यूशन आ गया। आप ये करोगे तो भी गलत नहीं है, ये करके आ जाओगे तो भी गलत नहीं है ये। तो हमने क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से इजीली कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आज हमने मल्टीप्लिकेशन, ऐड और इस सबस्ट्रेट के बारे में पढ़ लिया, और हमने वहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी बात कर ली है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में आपके लिए कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे, उन पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो न्यू कोरियर इंस्टीट्यूट के चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।